आज ये जो सभी किसान बैठे हैं, करीब 4 महीने से ज़्यादा से बैठे हुए हैं, और इनको CM द्वारा आश्वासन दिया गया था 2022 में कि यहाँ पर उतार चढ़ाव बनेगा इस पुल का, जो कि अभी तक भी इनके नुमाइंदे ने कोई नहीं, किसी ने भी कोई कार्य नहीं कर पाए हैं, और 4 महीने से परेशान ठंड में किसान लोग बैठे हुए हैं, और कोई त्यौहार हो या कोई शादी हो कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने आने वाले भविष्य की चिंता बहुत अधिक है, और भविष्य की चिंता हो क्यों ना, क्योंकि जो इनके साथ वादे किए गए थे वो बिल्कुल सही थे, इनके जो यहाँ उतार चढ़ाव का वो निर्णय लेना था वो बिल्कुल उचित था, यहाँ से सीधा उस पे एयरपोर्ट पे वो रास्ता लग रहा है। तो ये आज बहुत दुखी होकर अपने यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार इन्होंने पंचायतें भी की हैं, अब 11 तारीख को सोमवार को और 19 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत करने वाले हैं, क्योंकि जब तक सरकार नहीं सुनेगी, इन्होंने बिल्कुल, इनका दर्द भी सही है और इन्होंने हर तरह से अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास भी किया, और इस महापंचायत में शायद बहुत बड़ा निर्णय ये पंचायत लेने वाली है, क्योंकि ये 50 गांव के भविष्य का मसला है। आज आप यहाँ आए हैं, इन्हें क्या आश्वासन देने के लिए किस काम आए आप? मैं किसानों के इस दुख दर्द को देखता हुआ इनको आश्वासन देने के लिए यही आया हूँ कि इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ उठाऊँ, जो परेशानी में और जिस दिक्कतों में आज हमारे किसान भाई हैं, हम भी किसान हैं, तो हमें भी जो बात है किसानों के दर्द का बिल्कुल आभास है, और इनकी आवाज़ को उठाने का के लिए हम भी यहाँ पर आज धरने में आए हैं, ताकि इनके जो उतार चढ़ाव वो दिया जाए, और जो कि इनका हक है और उचित भी है। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, धरना कब से चल रहा है, किस चीज़ का धरना है ये? हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, इन्होंने पनहेड़ा गांव में एक भंडारा हुआ था, वहां पे घोषणा करी थी कि मोहना गांव में उतार चढ़ाव, जो ग्रीन एक्सप्रेस वे है, इस पे उतार चढ़ाव दिया जाएगा और आसपास के लगभग 50 गांवों को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये घोषणा होने के बावजूद उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। जब कोई काम नहीं हुआ है तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ के जो क्षेत्र हैं और क्षेत्रवासियों ने, सरदारी ने ये फैसला लिया है कि हम ये यहाँ का रास्ता, जो हमने लगभग 2 किलोमीटर का ये ग्रीन एक्सप्रेसवे का रास्ता रोका हुआ है, उसे नहीं बनने दिया जाएगा, और आगे हमारी 19 तारीख की एक पंचायत होनी है, उसमें अगर ये काम नहीं होता है तब तक तो कठोर कदम लिए जाएंगे, और वो कठोर फैसले अगर उनमें कहीं सरकार के लिए कुछ उल्टा रहता है तो उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के क्षेत्र और क्षेत्रवासी और सरदारी, उसमें उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये लगभग 4 महीने हो गए हैं इस धरने पे बैठे हुए। 4 महीने धरने को हो गए, अभी तक किसी मंत्री किसी के पास गए थे आप? हम मिले हैं, लेकिन कहीं से कोई ठोस जवाब और आश्वासन नहीं मिला है, बस वो चल रहे हैं कि भाई कराएंगे, लगे हुए हैं, लेकिन वो तो 2.5 साल से चल रहा है। पिछले साल भी करवा चौथ सारे त्यौहार यहीं मनाए थे। जी बिल्कुल, हमने सारे त्यौहार यहीं पे मनाए हैं, और हम आगे होली दिवाली, जो पीछे दिवाली तो मनाई चुके हैं, होली भी अगर आती है और ये काम जब तक नहीं होता है तो हम इस पे स्थिर हैं, हम आगे के त्यौहार भी यहीं मनाएंगे, और यहाँ त्यौहार मनाने का हमारा कोई खुशी का माहौल नहीं है। हम इस धरने को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम धरने को छोड़ के जाएंगे, गांव में सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसा हमारे पास मौका नहीं है, क्योंकि आगे का जो हमारा विकास है वो हमें कहीं ना कहीं छिनता दिखाई दे रहा है, हमारी जो आगे की जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेला जा रहा है, उन सब के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें मजबूरी में सारे त्यौहार यहाँ मनाने पड़ रहे हैं। ईश्वर सिंह नंबरदार। नंबरदार जी, आप कब से धरने चल रहा है, कब से बैठे धरने में? देखो, जब ये जेवर और एयरपोर्ट की बात चली तो यहाँ से ग्रीन एक्सप्रेस वे निकलना था, उसी टाइम से हम जो है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और अपने विधायक नैनपाल रावत जी से हमने संपर्क किया कि हमारे यहाँ पर जो उतार चढ़ाव बनना चाहिए, तो उन्होंने हमसे बार बार यही कहा कि भाई आपके यहाँ उतार चढ़ाव ज़रूर बनेगा। इधर हमारे यहाँ पनहेरा खुर्द में एक खडेश्वरी बाबा ने 12 साल तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया, उस भंडारे में जो है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और नैनपाल रावत जी, मूलचंद शर्मा जी और कई मंत्री जो है यहाँ पर आए थे, लाखों की तादाद में जो है साधु संत श्रद्धालु थे उसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है कृष्ण पाल गुर्जर जी से सहमति करके जो है यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव की मोहना के अंदर घोषणा की। उसके बाद हमने जो कृष्ण पाल जी के वहाँ जाकर उनको लड्डुओं से और मालाओं से उनका स्वागत किया, और उन्होंने ये कहा था कि भाई
ये शाम का टाइम है और हम जो है आपको उतार चढ़ाव जरूर दिलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है कोई ऐसा ठोस धरातल पर कोई काम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हम ये माने कि भाई हमारे यहाँ पर उतार चढ़ाव बन रहा है। बाकी हम केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से भी मिले हैं 3-4 बार, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपके वहाँ जो है ज़रूर बनेगा, लेकिन अभी तक जो कोई ठोस हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि जो हमारे यहाँ उतार चढ़ाव बने। जबकि सीएम ने मुख्यमंत्री जी ने क्या नाम है घोषणा की थी, इसके बावजूद भी नितिन गडकरी जी मना कर रहे हैं। नहीं, अभी मना हमसे किसी ने नहीं किया है, सब यही कह रहे हैं आपके यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, खाली आश्वासन दे रहे हैं, बाकी अभी धरातल पर कोई काम नहीं है।